अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है जनाब आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो जी, आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी माइल्ड स्पाइसेस के साथ ब्रेड रोल विद पोटैटो फिली। जी हाँ, इतने मज़े के होते हैं बनाना, इतने आसान होते हैं और इतनी जल्दी बन सकते हैं कि आप उतने अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, आप इन्हें एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं और आप अपने मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं, और यहाँ तक के लिए आप इन्हें फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 दिन तक के लिए। तो चलते हैं किचन में और चल के देखते हैं कि जिन रोल की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं ये बनते किस तरीके से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू मीडियम साइज़ के, तकरीबन 6 अदद। इनको 20 से 30 मिनट तक के लिए बॉईल किया है और उसके बाद मैंने इनको मोटा मोटा मैश कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, तकरीबन 5 अदद। इनकी ब्राउन साइड्स को उतार कर मैंने बना लिए हैं ब्रेड क्रम्स। उसके बाद बारी आती है स्पाइसिस की। स्पाइसिस में मैंने ली है हल्दी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, अगर स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। चाट मसाला मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून। यहाँ मैं बताते चलूँ कि मैं बेक पार्लर का इस्तेमाल कर रही हूँ चाट मसाले, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा सा, थोड़ा सा चूरन की तरह होता है, इसलिए अच्छा लगता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो काली मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून। यहाँ मैं ये बताते चलूँ कि काली मिर्च और आलू का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है जी। तो आपने जब भी कोई आलू की डिश बनाए तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद नमक 1 टीस्पून, धनिया पुदीना जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून है। ब्रेड क्रम्स यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 कप या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अंडे 2 अदद चाहिए और जो प्याज है ये तकरीबन 1 होना चाहिए मीडियम चॉप्ड करके, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इन तमाम स्पाइसेस को आलू के मिक्सर के अंदर डाल लेना है, ठीक है जी, और अच्छी तरीके से हमने इन्हें करना है मिक्स। यहाँ पर मैं प्याज नहीं डाल रही, प्याज मैं एंड में डालूंगी। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और जितना आपको ज़रूरत है आपने उतना रखना है, बाकी को आप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 दिन तक। तो जी देखें, ये मैंने मिक्स हो चुका है ये, और 5 स्लाइसेस के मुताबिक जितना मुझे मिक्सर चाहिए था मैंने उतना रखा है, बाकी मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज सारे मिक्सर में कभी भी मत डालिएगा, जितना ज़रूरत हो उतने में ही प्याज डालना चाहिए, क्योंकि पहला रीज़न तो ये है कि आप इसे फिर ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, आपको एक दिन के अंदर अंदर ही इसे ख़त्म करना होता है, और दूसरा रीज़न ये है कि एक तो स्मेल आने लग जाती है और तीसरा ये कि आपका मिक्सर ख़राब भी हो सकता है। तो जी देखिए, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है और अब हम इसे रख देंगे साइड पर। अब नेक्स्ट बारी जो है वो आती है ब्रेड क्रम, ब्रेड की। ब्रेड को हमने क्या कर लेना है कि हमने इसके स्लाइसेस को सॉफ्ट कर लेना है। बहुत सारे लोग बेलने की मदद से भी करते हैं, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती कि बेलने की मदद से करें, क्योंकि इसे वो सॉफ्टनेस नहीं आती जो पानी से आती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी की मदद से मैं किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले मैंने चारों साइड्स को ब्रेड की पानी के अंदर डिप करके इस तरीके से मैंने किया। उसके बाद मैंने हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से, आप क्या करें, इसके सेंटर में इस तरीके से पानी डालें और उसके बाद अपने हाथों की मदद से इसको हमने करना है प्रेस। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बनते भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे अच्छी तरीके से आपने इसे प्रेस करना है, चारों कॉर्नर्स को, चारों साइड्स को, सेंटर को प्रेस करें। अच्छा, इस दौरान ये टूट भी जाते हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेने की, टूट जाएंगे। अच्छा जी, ये इसकी फाइनल लुक है और अब हमने इसके अंदर डालना है मसाला, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मसाला डालिएगा इसके अंदर, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, ठीक है जी, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से उसको रोल करना है और इसकी दोनों एंड्स को पानी की मदद से बंद कर देना है। तो जी ये कुछ इस तरीके से लगेगी इसकी फाइनल लुक। अच्छा जी, 5ों मैंने रोल्स बना लिए हैं, बहुत सॉफ्ट से होते हैं, उठाते वक्त ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ब्रेड क्रम्स को आप देखें कि मैंने खुली प्लेट में डाल लिया है, ये आसानी होती है हमारे लिए। उसके बाद मैं अंडों को तोड़ लूँगी। अच्छा, इनमें मैं बिल्कुल नमक नहीं डाल रही, क्योंकि मैंने मिक्सचर में नमक डाला था। सबसे पहले अंडे के अंदर डिप होगा, फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप होगा। जैसे ही ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करेंगे तो आप देखिए कि मैं अपने हाथों की मदद से प्रेस कर रही हूँ। रीज़न ये है कि जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं ना, वो उतर जाते हैं, तो आपने ये ज़रूर करना है कि आपने ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद आपने अपने हाथों की मदद से भी डिप करना है। उसके बाद हम तेल, कढ़ाई में तेल ले लेना है जितना हमें चाहिए होगा, और उसके अंदर हमने मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो जी, पर्दा हट चुका है, रोल्स बन चुके हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के होते हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये कुछ इस तरीके से इनकी फाइनल लुक है। आप लोग तो ट्राई करेंगी, लेकिन पहले मैं ट्राई कर लूँ। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख ली है, उम्मीद है जी आप सब लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पसंद कैसे नहीं आई होगी भाई, इतने मज़े के और इतने आसान तरीके से ये रोल बनते हैं। हमने क्या करना है, किचन में जाके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
सो गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वजह से आप लोगों ने कोई छोटी सी चीज़ भी सीखी है इस वीडियो के जरिए, या फिर यार अगर आप लोगों को मेरी कोई बात अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो प्यार और जो मोहब्बत आप लोगों ने मुझे इन दो वीडियोज़ में दिया है, नो वर्ड्स, अल्फाज ही नहीं है उसके लिए। ना मैं इतनी इज्जत के लायक थी, ना ही मैं इतनी मोहब्बत और प्यार के लायक थी जो आप लोगों ने मुझे दी है। अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने फिर से तौफीक दी, तो आपकी बहन फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश होगी। और एंड में ये कहूँगी कि नेगेटिविटी को साइड पर रखते हैं, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि यार एक ही लाइफ, वो भी दो दिन की, तो क्यों ना वो किया जाए जो दिल कहता है। तो जी, ढेर सारी दुआएं कीजिए अपनी बहन के लिए, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत अता करे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।